एक तरफ जहां पूरा देश जवान हनुमंत थप्पा की सलामती की दुआएं मांग रहा है, वहीं मंगलवार को देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये उस समय हुआ जब वामपंथी छात्रों के समूह ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु और जेकेएलएफ को फाउंडर मकबूल भट्ट की याद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अफजल गुरु को शहीद का दर्जा दिया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर जेएनयू में कब तक देशद्रोही हरकतें होती रहेंगी। भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले आतंकी अफजल गुरु को शहीद कहने वाले, कश्मीर को आजाद करने की मांग करने वाले, इन देश विरोधी नारेबाजी करने वालों को कैसे बर्दाश्त किया जा रहा है? और कब तक इन्हें बर्दाश्त किया जाता रहेगा? नौ फरवरी को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुए इस प्रदर्शन ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। बोलने की आजादी पर रोक लगाने का आरोप लगाने वाले, असहिष्णुता को लेकर देश को बदनाम करने वाले नजर नहीं आ रहे हैं। अब सीधे सवाल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रशासन से है कि वो ऐसे देश विरोधी छात्रों पर कार्रवाई कब करेगा। We have our security has recorded the entire program. If what you are saying is true, we will definitely take appropriate action. JNU में cultural evening के नाम पर जो आयोजन हुआ, उसके शब्दों पर ध्यान दीजिए। Against the judicial killing of अफजल गुरु, यानी संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी को judicial killing कहा गया। पूरी परमिशन जो है प्रशासन ने दे दी, और उसके बाद में जैसे ये पूरे देश के कैंपसेस का हालत है कि कैंपसेस जो है वो वाइस चांसलर नहीं, आजकल एवीवीपी चला रहा है। एवीवीपी के लोग जाते हैं और वो जाकर के परमिशन कैंसिल कर देते हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस जो है वो कर्टेल जो हो रहा है, ठीक है, ये दिक्कत है हमको। बहुत यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से पहले अगर आर्टिकल 3 शुरुआत के आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के देखे जाते हैं, तो सबसे पहले हम कंट्री की इंटेग्रिटी की बात करते हैं। जब इंटेग्रिटी पे आप आघात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से, तो वो एक्टिविटीज एंटी नेशनल होती है। दरअसल जेएनयू प्रशासन से आयोजन की इजाजत कल्चरल नाइट के नाम पर ली गई थी। एबीपी का कहना है कि जब प्रशासन को हकीकत बताई गई तो कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई।